Good morning everyone, this is Angan Public School online classes. Hope you all are doing good. Today we are going to do English 2, General English course, Chapter 6. The simple past tense. Past tense means, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, past tense का मतलब होता है कि जो समय बीत चुका है, जो समय जा चुका है, जो काम पहले हो चुके हैं उसको कहते हैं पास्ट टेंस। जो समय चला गया है, जो काम हम पहले कर चुके हैं उसको कहते हैं पास्ट टेंस। नंबर वन, द चीफ गेस्ट होस्टेड द फ्लैग दिस मॉर्निंग, ही केम फ्रॉम लंडन यस्टरडे। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस फर्स्ट वाला का मीनिंग है कि चीफ गेस्ट ने ये सुबह झंडा लहराया, होस्टेड मतलब होता है लहराया, लहराया था क्योंकि ईडी है, ओके। आज सुबह, दिस मॉर्निंग है मतलब आज की बात हो रही है, दिस मॉर्निंग ये सुबह चीफ गेस्ट ने झंडा लहराया था। नंबर टू, ही केम फ्रॉम लंडन यस्टरडे, वो लंडन से कल आया, इसमें कल आया था, वो लंडन से कल आया था। तो अब हम हिंदी में जो बोलते हैं तो वो उसमें जब जो चीज़ हो चुकी होती है उसमें हम था लगाते हैं, और इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इंग्लिश में हम वर्ब, जो वर्ड होता है, जो वर्ड वर्ब होता है उसमें हम ईडी लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, या फिर वो वर्ड चेंज हो जाता है, वर्ब चेंज होता है, उससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, कि ये फ्यूचर टेंस है, ओके। तो पास्ट टेंस के लिए वर्ड में ईडी लगता है या फिर वो वर्ड की स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जैसे कम का केम हो जाता है। प्रेजेंट टेंस होता है कम, और पास्ट टेंस हो जाता है केम, या फिर ईडी लगता है या फिर कि वर्ड में चेंजेस आते हैं, कुछ स्पेलिंग चेंज होती है, उससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, ओके। द वर्ब अंडरलाइन आर इन द पास्ट टेंस, जो वर्ब को अंडरलाइन किया है वो पास्ट, जो अंडरलाइन वर्ब्स है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स टेक ईडी टू फॉर्म देयर सिंपल पास्ट टेंस, जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें ईडी लगता है पास्ट टेंस बनने के लिए, जैसे एग्जांपल में वर्क है तो वर्कड हो जाएगा, जंप है तो जंप हो जाएगा। वर्ब एंडिंग इन ई टेक डी टू फॉर्म देयर सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म, जो वर्ड ई से एंड होता है, जो वर्ड ई से एंड होता है, जैसे ये ई से लव है तो लव, ई से एंड हो रहा है तो लव्ड हो जाएगा, सेव है तो सेव्ड हो जाएगा, और जो वर्ड ई से फिनिश नहीं हो रहा है उसमें ईडी लगता है। नाउ सी, इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस इन अ डिफरेंट वे, जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उनमें पास्ट टेंस अलग अलग तरह से लगता है। नोट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ सम कॉमन इरेगुलर वर्ब्स गिवन बिलो, यहाँ पे जो वर्ब्स दिए हुए वो इरेगुलर वर्ब्स हैं। ये इरेगुलर वर्ब्स में अलग अलग तरीके से पास्ट टेंस फॉर्म करता है, जैसे ब्रेक है तो ब्रोक होता है, गिव गेव, बाय बॉट, bring brought, eat ate, see saw, go went, write wrote, keep kept, wake woke, whip wept, teach taught, drink drank, sing sang, come came, sleep slept, okay। meaning दोनों के एक ही होते हैं, बस ये जो present past tense के जो word होते हैं वो था में चले जाते हैं, यानी ब्रेक, यानी देखो ब्रेक का मतलब होता है टूटना, किसी चीज़ का टूट जाना, ब्रोक मतलब टूट गया था, गिव मतलब किसी को देना, गेव मतलब दिया था, बाय का मतलब होता है कुछ खरीदना, खरीदते हैं ना कोई चीज़ मार्केट से तो उसको बाय, और खरीदा था को हो जाता है बॉट। ब्रिंग कोई चीज़ लेके आना, खरीदना नहीं, ब्रिंग मतलब होता है कोई चीज़ लेके आना, bring और brought, bring का past tense हो जाता है brought, eat मतलब खाया, ate मतलब खाया था,
सी मतलब देखा, सॉ मतलब देखा था, गो मतलब जाओ, वेंट मतलब गया था, राइट मतलब लिखा, रोट मतलब लिखा था, कीप मतलब रखना, कोई चीज़ को हम अपने पास रखते हैं या कोई चीज़ संभाल के जब रखते हैं तो कीप, तो पास्ट टेंस हो जाता है कैप्ट। वेक मतलब उठना, वोक मतलब उठा था, विप मतलब रोना, वेप्ट मतलब रोया था, टीच मतलब पढ़ना, टॉट मतलब पढ़ाया था, टीच मतलब पढ़ाना और टॉट मतलब पढ़ाया था, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रैंक मतलब पिया था, सिंग मतलब गाना, सैंग मतलब गाया था, कम मतलब आओ और केम मतलब आए थे, स्लीप सो जाना, स्लैप मतलब सो गया था। ओके, इस तरह से ये यहाँ पे इररेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो इस तरह से चेंज होते हैं। एक्सरसाइज वन देखो करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। द फुलिश मैन किल द हैन दैट ले का है, यहाँ पे लेड हो गया, लेड अ गोल्डन एग। फुलिश मैन, फुलिश मतलब होता है बेवकूफ, मैन मतलब आदमी, बेवकूफ आदमी ने मुर्गी को मार दिया जो अंडा देती थी, इसने लेड, जो अंडा देती थी उस मुर्गी को पागल बेवकूफ आदमी ने मार दिया। नंबर टू, द रानी ऑफ झांसी डैश ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। फाइट है तो फाइट का क्या हो जाएगा, फॉट। झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। शेक्सपियर डैश हैमलेट, राइट का हो जाएगा रोट। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने हैमलेट स्टोरी लिखी थी। नंबर फोर, माई फादर डैश एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक फॉर मी, तो बाय है, बाय का हो जाएगा बॉट। मेरे पापा ने मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक लेके आए थे। नंबर फाइव, आई डैश फ्रेंच एज माई स्पेशल सब्जेक्ट, चूज का हो जाएगा चूज का चूज। आई चूज फ्रेंच एज माई स्पेशल सब्जेक्ट, मैंने अपना स्पेशल सब्जेक्ट फ्रेंच को चुना है। मिस गोम्स डैश अस इंग्लिश लास्ट ईयर, मिस गोम्स हमें इंग्लिश पढ़ाती थी पिछले साल, तो टीच का हो जाएगा टॉट। आई डैश माई मदर्स ईमेल यस्टरडे, रिसीव तो रिसीव, मुझे कल मेरी मम्मी का ईमेल मिला। ही डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग वेक, उसने मुझे सुबह उठाया था, वेक का हो जाएगा वोक। आई डैश माई होमवर्क इन द मॉर्निंग, डू का हो जाएगा डन, आई डन माई होमवर्क इन द मॉर्निंग। नंबर टेन, द थीफ डैश बिहाइंड अ ट्री, द थीफ हाइडन बिहाइंड अ ट्री। ओके, नाउ सी हियर, टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल टेंस वी यूज डिड एज हेल्पिंग वर्ब बिफोर नॉट एंड डज नॉट एंड देन यूज द मेन वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी नहीं का जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो उसमें डिड लगता है और डिड के साथ हम नॉट लगाते हैं। नॉट के पहले डिड लगता है और फिर नॉट लगता है और जो वर्ब मेन होता है वो अपने ओरिजिन फॉर्म में आ जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, पॉजिटिव है तो ही ड्रैंक कॉफी, उसने कॉफी पी थी। नेगेटिव हो जाएगा ही डिडंट ड्रिंक कॉफी, उसने कॉफी नहीं पी। ऐसे पॉजिटिव, ही केम इन द मॉर्निंग, वो सुबह आया था। और नेगेटिव ना में आंसर है तो ही डिडंट कम इन द मॉर्निंग, वो सुबह नहीं आया।
ऐसे जब नहीं हम लगाते हैं तो आया था नहीं लगेगा, वो सुबह नहीं आया था, ऐसे नहीं, वो सुबह नहीं आया। ओके, सो हम करते हैं एक्सरसाइज तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज टू में टर्न द सेंटेंस इनटू द नेगेटिव फॉर्म, सेंटेंस है उसको नेगेटिव फॉर्म में करना है। शी मेड हर पॉइंट क्लियर, उसने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया था। शी डिडंट मेक हर पॉइंट क्लियर, उसने अपना पॉइंट क्लियर नहीं किया। राम ब्रोक द विंडो, तो राम डिड नॉट, अब ये डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डिडंट। ओके, ऐसे ही लिखना है, डिडंट ब्रेक द विंडो, द विंडो। द चिल्ड्रेन एट ग्रेप्स, द चिल्ड्रेन didn't eat grapes. We sang many songs in the bus. We didn't sing many songs in the bus. The old woman wept. The old woman didn't weep. The Prime Minister went to Assam. The Prime Minister didn't go to Assam. Okay? तो इस तरह से हमें ये करना है। Now we will do chapter 18. Whom and whose? Question बनते हैं whom और whose से। Who मतलब कौन, whom मतलब किसने किया, whose मतलब किसका है। A carpenter makes wooden furniture. Carpenter ने लकड़ी से फर्नीचर बनाया। तो second, A carpenter is a person who makes wooden furniture. Carpenter वो person है जिसने wooden furniture बनाया। The word who in the second sentence is called a relative pronoun. जो ये sentence में जो who use हुआ है उसको relative pronoun कहते हैं। It stands for the noun person and also joins the two parts of the sentence. ये जो who है वो relative pronoun यहाँ पे बनता है और वो दो अलग अलग sentence को एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे exercise करते हैं, rewrite the sentence with who as shown in the second sentence above. A baker makes bread. Baker ने bread बनाई, तो हम लिखेंगे A baker is a person who makes bread. Baker वो इंसान है जिसने bread बनाई। Number two, a shepherd tends a flock of sheep. A shepherd is a person who tends a flock of sheep. Shepherd यानी जो भेड़ बकरियां चराता है उसको शेफर्ड कहते हैं। वो बकरियों को लेके गया, बकरियां चराता है, तो हम लिखेंगे शेफर्ड वो इंसान है जो बकरियां चराता है। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, तो अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। A gardener grows flower and fruits.
गार्डनर जो होता है वो फ्रूट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उगाता है. तो गार्डनर इज अ पर्सन हु ग्रोज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. टर्न योर पेज. एन आर्किटेक्ट ड्रॉज प्लान ऑफ बिल्डिंग्स. आर्किटेक्ट वो इंसान है जो बिल्डिंग के प्लान्स बनाता है. आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज प्लान्स ऑफ बिल्डिंग. नंबर सिक्स, अ पॉटर मेक्स अर्दन पॉट्स. पॉटर जो होता है वो मिट्टी के खिलौने मिट्टी के घड़े बनाता है. अ पॉटर इज अ पर्सन हु मेक्स अर्दन पॉट. पॉटर वो इंसान है जो अर्दन मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटके बनाता है. नंबर सेवन, अ मैसन बिल्ड्स विद स्टोन्स. मैसन मतलब जो बिल्डिंग बनाते दीवार बनाते हैं उसको मैसन कहते हैं. तो मैसन इज अ पर्सन हु बिल्ड विद स्टोन, जो पत्थर से बिल्ड करते हैं. नाउ रीड दिस सेंटेंस. दिस इज अ मैन आई मेट हिम यस्टरडे. ये वो इंसान है जिससे मैं कल मिला था. तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस है, उसको ज्वाइन करता है क्या हु. दिस इज द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे. ये वो इंसान है जिससे मैं कल मिला था. द वर्ड हुम इन द सेकेंड सेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन. हुम है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है. इट हेल्प अस टू ज्वाइन टू सेंटेंस इन टू वन. इट स्टैंड्स बिफोर द प्रोनाउन. ये प्रोनाउन के पहले आता है. एंड ऑल्सो ज्वाइन द टू सेंटेंस. ये प्रोनाउन के पहले यूज होता है और प्रोनाउन के जगह पे यूज होता है. प्रोनाउन के जगह पे ये यूज होता है और दो सेंटेंस को मिलाता है. यानी ये हिम के जगह पे यूज होगा. हिम है तो वहां पे हुम हो जाए. एक्सरसाइज करते हैं. ज्वाइन द पेयर्स द सेंटेंस यूजिंग हुम. दिस इज अ स्टूडेंट. द टीचर पनिश हिम लास्ट वीक. ये वो स्टूडेंट है जिसने टीचर ने लास्ट वीक को पनिश किया था. दिस इज द स्टूडेंट हुम द टीचर्स पनिश लास्ट वीक. यहाँ पे हिम है. हिम के हम हिम नहीं लिखेंगे. हिम के जगह पे हुम आ जाएगा, ये फुल स्टॉप की जगह. तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइन भी करता है और प्रोनाउन के जगह पे हुम लगता है. ये वो स्टूडेंट है जिसे टीचर ने कल लास्ट वीक पनिश किया था. गोपाल इज अ नाइस बॉय. एवरीवन लाइक्स हिम. गोपाल अच्छा लड़का है जिसे सब पसंद करते हैं. तो गोपाल इज अ नाइस बॉय हुम एवरीवन लाइक. नंबर थ्री, दिस इज एन ओल्ड बैगर. माई फादर ऑलवेज हेल्प्स हिम. ये वो बैगर यानी भिखारी. ये वो भिखारी है जिसे मेरे पापा मदद करते हैं. दिस इज अ पोस्टमैन. एवरीवन इन आवर विलेज नोज हिम. ये वो पोस्टमैन है. ये पोस्टमैन है जिसे गांव के हर लोग जानते हैं. दिस इज द पोस्टमैन हुम एवरीवन इन आवर विलेज नोज. नाउ नंबर थ्री, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. ही इज अ बॉय. हिज पेरेंट्स आर पुअर. ही इज अ बॉय हुज पेरेंट्स आर पुअर. द वर्ड हुज इन द सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. इट स्टैंड्स फॉर द प्रोनाउन हिज. यहाँ पे हुम हमेशा हिम के लिए लगता है. हुम जो होता है वो हिम के लिए लगता है और हुज जो होता है वो हिज के लिए लगता है. देखो सेंटेंस करते हैं. ही इज अ बॉय. हिज ब्रदर इज माय फ्रेंड. ही इज द बॉय हुज ब्रदर इज माय फ्रेंड. हिज के जगह में हुज लगाएंगे. शी इज अ स्टूडेंट. हर प्रोग्रेस इन द क्लास इज वेरी पुअर. प्रोनाउन है हर. तो शी इज द स्टूडेंट हुज प्रोग्रेस इन द क्लास इज वेरी पुअर. ये वो स्टूडेंट है जिसकी क्लास में बहुत पुअर प्रोग्रेस हो रही है. नंबर थ्री, दिस इज अ मैन. हिज सन वोन प्राइज इन द कंपटीशन. ये वो आदमी है जिसका बेटा कंपटीशन में प्राइज लेके आया है. दिस इज द मैन हुज सन वोन अ प्राइज इन द कंपटीशन. चंद्रगुप्ता. नंबर फोर, चंद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट किंग. हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड. चंद्रगुप्ता एक महान राजा था जिसका नाम
पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। चंद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट किंग हुज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। ओके, सो ये चैप्टर यहीं तक की था। यहां तक आपको अपनी वर्कबुक के अंदर करना है। ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।